Very good morning, students. Hope you are well. So, in our last class, what we had discussed, I think you might remember all these things. Let's quickly revise all these things. We had discussed about what is life. Firstly, what is science? So, science is a life. Both are same. What is life? We had discussed about livingness, then intact years, then functioning and excretion. Very nice. Intake, for intake we need food, and food is why we require food, because of the activity that we had performed in our day by day practices. Very good. Then our second point is characteristics. Characteristics is what? Like हम चल रहे हैं, that is movement. अगर कुछ हिल रहा है तो हम बोल सकते हैं कि जिंदा. Second is, what is respiration? So respiration is a main process to sustain our life. Third one is reproduction. Obviously reproduction होगा, next progeny आएगी तो ही हमारा life आगे बढ़ेगा, हमारा family आगे बढ़ेगा. Then metabolism. Metabolism is the same kind of digestive system, digestion pura process. That's it about the science or about the life. And also I gave some introductory part about the chapter number 1, that is crop production and management. We already discussed about what is crop. हमें पता है क्या है, एक लैंड है वहाँ पे हमें बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करने हैं विच आर ऑफ सेम काइंड और सेम स्पीशीज. अगर मुझे वीट ही करना है तो मैं पूरा वीट का प्लांटेशन कर लूँ, अगर मुझे राइस करना है तो मैं राइस का ही प्लांटेशन कर लूँगी. ऐसा नहीं है कि मुझे इधर वीट वाला करना अच्छा लगा, यहाँ पे मैंने पैडी कल्चर कर लिया. नो, दैट डजंट मीन ऑफ क्रॉप. सो मोस्टली क्रॉप में क्या है, एक ही लैंड एरिया पूरा जितना हेक्टर लेना उस एरिया में एक ही तरह के प्लांटेशन होंगे. अगर वीट लेना हो तो आप वीट का प्रोडक्शन कर सकते हो, दैट इज क्रॉप. कमिंग टू द साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी ऑफ क्रॉप इज प्लांट्स ऑफ सेम काइंड. सी अगेन, मैंने पहले भी बोला था, प्लांट्स ऑफ सेम काइंड. इफ वी आर टेकिंग मेज तो मेज का पूरा प्लांटेशन होना चाहिए, पूरा प्लांट्स आर ग्रोड ऑन अ लार्ज स्केल. घर पे हम ऐसे बगीचा बना के 5-6 पौधे लगा दिए, दैट इज नॉट अ क्रॉप. लार्ज स्केल, दिस इज अ मेन हाईलाइटेड पॉइंट. व्हाट इज लार्ज स्केल? वी आर ग्रोइंग दैट प्लांट इन नंबर्स, सो मैनी नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स में हम एक ही तरह के प्लांट ग्रो करेंगे. सो दैट वी कैन कॉल इट लार्ज स्केल प्रोडक्शन. और उस लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ सेम काइंड ऑफ क्रॉप और सेम काइंड ऑफ प्लांट, दैट वी कैन कॉल एज अ क्रॉप. नाउ व्हाट इज अबाउट क्रॉप? नाउ व्हाट इज प्रोडक्शन? प्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूस और जनरेट, राइट? सो प्रोडक्शन क्या है? इफ इन योर फैमिली मेंबर कोई फार्मर होगा, सो यू कैन डायरेक्टली आस्क दैट व्हाट इज क्रॉप और व्हाट इज प्रोडक्शन. तो प्रोडक्शन में वो लोग बोलेंगे कि पहले जमीन को तैयार करो, सॉइल को रेडी करो, बाद में उसमें सोइंग करो, वाटर दो, अनवांटेड प्लांट्स को निकालो, राइट? देर आर सो मैनी प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. सो इन आवर नेक्स्ट क्लासेस we are dealing with all kind of processes, what require, but which are the things are required in some practices, etc. Now coming to the management, what is management? Any idea what is management? If I am dealing with large scale area, and in large scale I am producing same kind of crops or same kind of plants, सो मैनेजमेंट आर रिक्वायर्ड. अगर मुझे फर्टिलाइजर डालना है तो एक पूरे से ब्लॉक में
पूरे ब्लॉक में मैंने यहाँ पे फर्टिलाइजर डाला और यहाँ पे फर्टिलाइजर डाला, बीच में कुछ नहीं. सो क्या होगा बीच के प्लांट्स को, दे कैन नॉट गेट न्यूट्रिशन, इनफ न्यूट्रिशन, तो वो इतना ग्रो नहीं हो पाएंगे. तो हाउ टू मैनेज अवर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, हाउ टू जनरेट और हाउ टू गेट इक्वल और हाई अमाउंट ऑफ प्लांट विथ बेटर क्वालिटी, उसमें वाइटामिन होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, राइट, ऑल द थिंग्स आर रिक्वायर्ड, दैट टर्मिनोलॉजी वी कैन कॉल इट एज मैनेजमेंट. नाउ आई थिंक सम आइडिया यू कैन जनरेट विद द ओनली name of the chapter. In this chapter we are dealing with different type of crops and its production. Now in SS social science you must be studied that India is diverse country, India having diversity of people, diversity in land, diversity of season, right? So what is that in India only? Why in India we have a three kind of season? Because of the rotation of earth and the distance of sun. Same. So crop directly dependent on season. If for example, if I want to generate an apple, एप्पल यहाँ पे अच्छे से होगा नहीं, जम्मू कश्मीर में होगा बेस्ट. व्हाई? बिकॉज एप्पल रिक्वायर सम टेम्परेचर, सम ह्यूमिडिटी, सम एनवायरमेंटल कंडीशन फॉर दैट बेटर ग्रोथ. सेम हैपन विद क्रॉप. सो क्रॉप्स रिक्वायर सीजन्स और क्रॉप रिक्वायर फेवरेबल कंडीशन. In our India, we are number of crops, we are having a number of crops, different type of crops, that is our fruit, pulses, cereals, right, etc. So many crops we are having. If according to season, if we want to just separate out the crop, so we have two kind of classification of crop. See, this is very important question and ask in 2 marks question that write down the question. First question is, what is crop? Explain in detail. Second question is, explain the classification of crop according to season. So here, according to season, we have two type of crops. First is kharif crop. Kharif crop means the crop or the plant that grown in rainy season. Rainy season kab hoti hai? June to September, right? So jo crop the rainy season mein grow hoti hai, and that season's duration is June to September, that crop we can call it as a kharif crop. Got it? Again, kharif crop means the crop which grown in rainy season. Why? Because they require high amount of water. For example, paddy means rice culture. Rice require lot of water. So mostly summer ke season mein to we can't afford that much of water, kyunki kahan se layenge, right, farmers. This is also a main basic and important factors about water supplement. So that's why those crops which require high amount of water, they can grow on in rainy season, and the duration is June to September. Simple. Now coming to the second type of crop, that is rabi crop. Rabi crop means what? That crop require humid environment. Why humid and which kind of humid environment? So that we can grow on in winter season. Winter mein kya hota hai? Atmosphere mein moisture rehta hai,
ऊपर से सन का टेम्परेचर, सन की वजह से हमारा टेम्परेचर थोड़ा डाउन होता है. सो दे रिक्वायर सम लेस टेम्परेचर, सो दे ग्रो इन विंटर सीजन. ड्यूरेशन ऑफ विंटर सीजन इज अक्टूबर टू मार्च एंड द एग्जाम्पल ऑफ दैट क्रॉप इज वीट, ग्राम, पीस एक्सेट्रा. एज वी नो हमें विंटर और रेनी सीजन में ही वेजिटेबल्स मिलते हैं, तो मोस्टली क्रॉप्स ऑल्सो ग्रो इन दिस सीजन विंटर वाला. सम ऑफ द क्रॉप विच कैन ग्रो इन रेनी सीजन वो रिक्वायर हाई अमाउंट ऑफ वाटर. प्लीज मार्क माई वर्ड, जो बहुत पानी मांगेगा वो ही रेनी सीजन में जाएगा. फॉर एग्जाम्पल पैडी कल्चर, कॉटन को भी बहुत ज़्यादा, मेज़ को भी बहुत पानी चाहिए. पैडी कल्चर के पैडी लैंड में पूरा क्रॉप पानी से भरा हुआ होता है, क्रॉप का प्लांट दिखता ही नहीं, उतना पानी चाहिए. जितना पानी मिलेगा उतना प्रोडक्शन और उतना क्वालिटी अच्छा होगा. गेट इट? सो इज देयर एनी कंफ्यूजन, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आई विल हेल्प यू एट एनी टाइम. Again, we revise our this lecture. We know the chapter's name, crop production and management. Coming to what is crop? So crop is a plant of same kind and grown on large scale. Large scale, bada area hai, usme bahut sare same kind ke ped hone chahiye. That is crop. Now crop are of different types. Fruit हो सकता है, cereals हो सकता है, pulses हो सकता है, हो सकता है, etc. Right? Now, according to season, according to diverse country, we had classified our crop into two types. First is kharif crop, and we know kharif means who require a lot of water, so they can grow in rainy season. For example, maize, cotton, paddy. Paddy means rice culture. And the duration of that kharif crop is June to September. Coming to Rabi crop means the crop or the plant which require moderate temperature plus humidity and then grown in winter season. Duration is October to March, and wheat, gram and peas are the example. Right? So our next point we will discuss in our next class, and that is of how to prepare crop, how to manage, how to increase crop production, and all the things we can call it as agricultural practices. So we will be discussed all this topic in the next class. Hope you like my lecture. See you soon.